हेलो पीपल, वेलकम बैक टू द 10 स्टार। सो आज हम लेके आ गए सबसे डरावनी सच्ची भूतिया घटना। बट ये फाइल इट्स अ स्केरी वीडियो वी आर वी विल बी वाचिंग। मैं हंस के बोल देती हूं बट मुझे पता है मेरी हालत ही सबसे ज्यादा। दिस इज द एक्सॉर्सिज्म ऑफ एनलीज मिशेल और यू कैन से एमिली रोज। कल वाली वीडियो में कमेंट पोस्ट किया था कि वीडियो देख लोगे तो मेरी सालों तक नींद हराम हो गई थी। तो ये रियल वीडियो है या पता नहीं कैसी है, बट ये वीडियो मिली मुझे सबसे टॉप पे सर्च करने पे। तो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो, देखते हैं वीडियो कैसी है। बट बिफोर शट द वीडियो गाइस, अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है स्केरी नाइट्स विद द 10 स्टार, तो आप इसको लाइक करो, कमेंट करो, बता दो हमें कि अच्छी लग रही है। और ऐसे मुझे लग रहा है आपको अच्छी लग रही है क्योंकि मजा तो आप खूब ले रहे हो, हमें भी भाई फट भी रही, अच्छा भी लग रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो लेट्स बिगिन एंड देखते हैं ये वीडियो कैसी है। अच्छा हेडफोन पहन लेना गाइस, तभी थोड़ा मजा फील आती है और ये मिस्टीरियस वर्ल्ड लेके जाना। तो कैसा इंट्रो है ये एपिसोड 61 रियल स्टोरी ऑफ एनलीज मिशेल। मिशेल ही है ना। हेलो फ्रेंड्स, मिस्टीरियस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। अच्छा हिंदी वीडियो। आप अभी सोच रहे होंगे कि ये डरावनी आवाजें कैसी थी और शायद इन डरावनी आवाजों को सुनकर आप बेहद डर भी गए होंगे, लेकिन यकीन मानिए ये तो बस शुरुआत थी। आज का पूरा वीडियो देखने के बाद आपको असली डर क्या होता है इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसी सच्ची और बेहद डरावनी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे पैरानॉर्मल स्टडीज की दुनिया में सबसे विस्मयकारी और सबसे खतरनाक पैरानॉर्मल एनकाउंटर का दर्जा मिला हुआ है। आप लोगों ने ऐसी बहुत सी डेमोनिक पोजेशन की कहानियां सुनी होंगी जिसपे किसी व्यक्ति के शरीर में किसी खतरनाक आत्मा का वास हो जाता है और फिर उस आत्मा से निपटने के लिए लोगों को खासी मशक्कत करनी पड़ती है। लेकिन हमारी आज की कहानी कोई सामान्य डेमोनिक पोजेशन की घटना से जुड़ी कहानी नहीं, क्योंकि इस घटना में पीड़िता के शरीर में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 6 दुष्ट आत्माओं का वास था। और इन दुष्ट आत्माओं का राज जानकर शायद आप लोग हक्के बक्के रह जाएं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का एपिसोड और जानते हैं इस रहस्यमयी और बेहद खौफनाक कहानी के बारे में। चैप्टर 1 द बिगनिंग। ये कहानी है एनलीज मिशेल नाम की एक लड़की की, जिसका जन्म 21 सितंबर 1952 में एक कैथोलिक परिवार में हुआ था। एनलीज के माता पिता बेहद धार्मिक और रूढ़िवादी लोग थे। एनलीज खुद भी बड़े होकर कैथोलिक धर्म प्रचारक बनना चाहती थी, लेकिन शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। जब एनलीज महज 23 साल की थी तब टेम्परल लोब एपिलेप्सी नाम की एक बीमारी से ग्रस्त हो गई, जिसके कारण एनलीज हमेशा ही कुछ अजीब हरकतें करती पाई जाती थी। इसी वजह से एनलीज के माता पिता ने साइकेट्रिस्ट से भी सलाह मशवरा किया, लेकिन फिर भी एनलीज की हालत में कोई सुधार ना आने के मद्देनज़र उसके माता पिता ने डॉक्टर्स और हॉस्पिटल के चक्कर काटना शुरू किया। लेकिन 5 साल तक लगातार चले इलाजों और दवाओं का भी एनलीज पर कोई असर होता नहीं दिखा। वहीं दूसरी ओर एनलीज की हालत और भी ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। एनलीज के व्यवहार को देखकर उसके माता पिता को लगा कि शायद एनलीज किसी मेडिकल कंडीशन की नहीं बल्कि शायद किसी पैरानॉर्मल घटना का शिकार हो गई है। अंततः एनलीज के पेरेंट्स ने चर्च की सहायता लेने का फैसला किया। उसके पेरेंट्स ने पेस्टर ऑल्ट नाम के एक पादरी को घर पर बुलाया। पेस्टर ऑल्ट ने देखा कि एनलीज फर्श पर किसी निर्जीव वस्तु की तरह पड़ी थी और वो वहीं पर पेशाब करके अपने ही पेशाब को जमीन से चाट रही थी और फिर पास में ही पड़े एक कोयले के टुकड़े को बेतरतीबी से खाने लगी। उसके चेहरे पर मौजूद खौफनाक हंसी को देख कर पेस्टर ऑल्ट साफ समझ गए थे कि एनलीज के शरीर में किसी शैतानी आत्मा का साया है। उन्होंने एनलीज के पेरेंट्स को सलाह दी कि उन लोगों को जल्द से जल्द एनलीज पर एग्जॉर्सिज्म क्रिया करवा लेनी चाहिए ताकि वो जल्दी से ठीक हो सके। उन्होंने एक और पादरी आर्नोल्ड रेंस के साथ एनलीज पर पहली एग्जॉर्सिज्म क्रिया को अंजाम दिया, जहां उन्हें पता चला कि एनलीज के शरीर में एक दो नहीं बल्कि 6 बुरी आत्माओं का साया है। इस पहले एग्जॉर्सिज्म के बाद से ही एनलीज के शरीर में वास करने वाली आत्माएँ और भी ज़्यादा उग्र हो गई और एनलीज को
बुरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लिया। परिणाम स्वरूप उन दोनों पादरियों को और भी कई एक्सोर्सिज्म क्रिया करनी पड़ी, लेकिन एनालिस के उग्र स्वभाव के कारण एक्सोर्सिज्म क्रिया से पहले उसे उसके बिस्तर पर चैनों से बांधना पड़ता था। एक्सोर्सिज्म की इन सिलसिलेवार क्रियाओं से जो खुलासा हुआ वो वाकई चौंका देने वाला था। एनालिस के शरीर में मौजूद 6 आत्माओं के नाम सुनकर आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। इन 6 आत्माओं के नाम कुछ इस तरह थे। नीरो, जो कि रोमन साम्राज्य की जूलियो क्लॉडियन डायनेस्टी का आखिरी शासक था। जूडस इस्कैरियट, जो कि जीसस के 12 शिष्यों और धर्म प्रचारक में से एक था और इसी ने जीसस के साथ धोखा किया था, और वो भी महज 30 चांदी के सिक्कों के लिए। केन, एडम और ईव के 2 बेटे थे जिसमें से बड़े बेटे का नाम था केन और छोटे का एबल। हिटलर, हिटलर को तो आप सभी जानते हैं कि ये एक जर्मन डिक्टेटर था जिसके कारण लाखों जाने गई। वैलेंटीन फ्लेशमैन, 16वीं शताब्दी का एक बदनाम पादरी जिसे शराब पीने, हमला करने और मर्डर के आरोप के तहत रोमन साम्राज्य ने बर्खास्त कर दिया था। लूसीफर, जिस तरह अच्छाई के प्रतीक के तौर पर गॉड यानी ईश्वर को देखा जाता है, उसी तरह बुराई के लिए लूसीफर को बुराई के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है। लूसीफर को शैतानों का शैतान भी कहा जाता है। ये सभी 6 आत्माएं एनालिस के शरीर में एक साथ प्रवेश कर गई थी और एक्सोर्सिज्म की प्रक्रिया के दौरान उन दोनों पादरियों को इन आत्माओं से 2-4 होना पड़ा। फादर रेंस और फादर पेस्टर एक्सोर्सिज्म की प्रक्रिया को ऑडियो कैसेट्स में रिकॉर्ड करते थे, जिनमें से एक रिकॉर्डिंग को हम आज आपको सुनाने वाले हैं। तो आइए सुनते हैं इस ऑडियो रिकॉर्डिंग को। Ich spreche das so, dass ich in dem Wald drin bin. Ich trage dir die Rotznase noch so lang, bis es weg wird. Ist so blöd, du Wald. Aber es gibt kein Zurück. Nee! In aller Ewigkeit! Sag mir den Namen. Wer ist der Judas? Und der Nero? Der Kain? Und der Hitler? Fünf Zimmer. इन एक्सोर्सिज्म की प्रक्रिया के दौरान एनालिस कभी इतना उग्र हो जाती थी कि वह अपने पेरेंट्स और भाई बहनों पर भी हमला कर देती थी। वह कभी उन्हें अपने दांतों से काट कर घायल कर देती थी, तो कभी अपने नाखूनों से उन्हें नोचने लगती थी, और तो और कभी वह खुद को भी मारने लगती थी और खुद को बुरी तरह घायल कर देती थी। हालांकि कुछ दिनों के लिए एनालिस की हालत में थोड़ा सुधार आया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद एनालिस की हालत पहले से भी ज़्यादा बदतर होने लगी। उसने कुछ भी खाना पीना छोड़ दिया था। उसका कहना था कि उसके अंदर बसे शैतान उसे कुछ भी खाने पीने नहीं देते। इसी कारण वह मेल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण का शिकार हो गई। उसका स्वास्थ्य बुरी तरह से बिगड़ने लगा। 30 जून 1976 को एनालिस पर 62वां और आखिरी एक्सोर्सिज्म किया गया, जिसके दौरान एनालिस ने कहा कि वो अब थक चुकी है और अब इस शरीर से छुटकारा पाना चाहती है। और 1 जुलाई 1976 की सुबह एनालिस ने अपनी आखिरी सांस ली। लेकिन एनालिस की मौत के बाद एक और पेचीदा मोड़ तब सामने आया जब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने यह साबित किया कि एनालिस मेलन्यूट्रिशन के कारण मरी थी और वो एक मानसिक रोगी भी थी। साथ ही साथ डॉक्टर्स ने उन दोनों पादरियों पर यह इल्ज़ाम भी लगाया कि वो लोग एनालिस के माता पिता को गुमराह कर रहे थे। अगर वो चाहते तो एनालिस को बचा सकते थे। लेकिन इस कहानी और एनालिस की मौत का असल कारण वो 6 आत्माएं थी या उसे डॉक्टरी मदद की ज़रूरत थी, ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। आपको क्या लगता है, क्या एनालिस वाकई सिर्फ एक मानसिक रोग का शिकार थी? अगर डॉक्टरों की ये बात मान भी लें तो एनालिस का वो बर्ताव और वो 6 अलग अलग लोगों की आत्माओं और एनालिस के मुंह से आती 6 अलग अलग आवाज़ों का क्या रास्ता? आप अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें और
और मिस्टीरियस वर्ल्ड हिंदी के साथ जुड़ने के लिए। अच्छा, अगर मान लो कि ओके दिस वाज नॉट ट्रू बट स्टिल वो जो रिकॉर्डिंग थी यार, और मुझे नहीं लगता कि इतने टाइम पहले कोई रिकॉर्डिंग फेक करने का भी बोला, ऐसे कुछ सोचता होगा या इतने कोई वो होती होगी फेक कर सके। मैंने ना एक सोर्स ऑफ एमिली रोज मैंने बहुत ही बुरे मतलब उसमें देखी थी, लाइक मेरी हिम्मत ही हो रही थी, तो मुझे इट्स एंड बिट्स देखी थी मैंने। तो पहले क्या था, उन लोगों को लगता था कि ये जो बीमारी भी है ना वो फेक कर रही है फॉर अटेंशन। अच्छा, एंड ऑब्वियसली इन दी एंड वो ही दिखाया था कि वो ना इसकी बॉडी पे कोई वो नहीं हो पा रहा था, तो लूसिफर ने खुद ही इसकी सोल को वो कर लिया था। यार वही तो मैं मतलब आजकल के टाइम पे कोई ऐसे रिकॉर्डिंग का हो ना तो बंदा कह सकता है कई बार को कि इट्स फेक एंड इट कैन बी क्रिएटेड, बट उस टाइम पे तब इतना नहीं, मैं मुझे नहीं लगता। और जिस हिसाब से वो ऑडियो थी भाई, क्या गजब, मतलब प्रीचर से क्या ही हो गया। और अभी जब लास्ट वीडियो पे कमेंट करा तो सबने मतलब पूछा ना कि देख पाओगे एक्सॉर्सिज्म वाली वीडियो, तो सबने बोला एमिली रोज एमिली रोज एमिली रोज की करो। एंड उससे पहले मैं ये वीडियो सोच चुका था बट मुझे नहीं पता था कि एमिली रोज ही एनालिस मिशेल है। हाँ, मुझे भी नहीं पता था, ये नहीं पता था मुझे, तो मैं थोड़ा सर्च करा, देखा कि हाँ दे आर सेम। ओके, तो भाई खतरनाक वीडियो और ये सीरीज खतरनाक टर्न्स पसीने जुड़ गए खतरनाक टर्न्स लेती जा रही है वीडियोस ये सीरीज। तो अगर आपको आप इस सीरीज से जुड़े रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करके बताना कैसी लगी। एंड यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर ऑल द थिंग्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। और 7:08 पे मीम वीडियो के साथ रेडी रहना, वो आती रहेंगी क्योंकि ये डराने के साथ हंसना हंसाना भी जरूरी है। एंड वन लास्ट थिंग, आई रिमेंबर वन थिंग, यू हैव टू ग्राइंड टू शाइन। टेक केयर, बाय बाय।